बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अब हम बात किस चीज़ पे करने वाले हैं? आपको पता है हमारा मेंटल हेल्थ का सेगमेंट है और हमारे पास हमारी फेवरेट 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 साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, नौशीन शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। रमज़ान कैसे जा रहा है आपका? रमज़ान अच्छा जा रहा है। अभी रमज़ान में पहली बार आई है ना हमारे पास, इसलिए पूछ रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे लग रहा है कि बहुत तेजी से बहुत तेजी से गुजर रहा है। 13th रोजा, आज 13th रोजा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस दफा बच्चों ने भी घर में सबने सबके रोजे। अच्छा पता है इस बार हुआ क्या? मौसम भी मौसम बहुत अच्छा हुआ इस बार, छुट्टियों में रोजे इनके शुरू हुए और अभी स्कूल तो उनके अभी शुरू हुए हैं ना, स्कूल कॉलेज तो अभी स्टार्ट हुए, छुट्टियों में शुरू हुए, तो बाय नाउ दे आर लाइक ट्रेंड इनफ कि वो आराम से पूरे पूरे रोजे भी रख सकते हैं। तो पहले ये जरा मुश्किल था, बहुत सारे बच्चों ने इस साल अपनी रोजा को शाई किया। आई नो पर्सनली, जो कि मतलब छुट्टियों का शायद वेट कर रहे थे कि कोई ऐसा दिन हो जो रिलैक्सिंग हो, फिर रोजे के बाद वो कंटिन्यू कर सकें। तो इट्स वेरी नाइस एक्चुअली। लेकिन यही सिचुएशन जो है बिल्कुल इन्वर्स हुई हुई है पंजाब साइड पे। जी बिल्कुल, बहुत हॉरिबल। वहाँ मेरे ख्याल में रोजों का बहुत डबल ट्रिपल सवाब मिल रहा होगा इस वक्त। यही कह सकते हैं हम उनको कि भाई आप सवाब बहुत कमा रहे हैं। सवाब बहुत कमा रहे हैं आप, बिल्कुल सही। अच्छा मैम, सबसे पहले तो हम आपसे पूछेंगे हमारा पोल। ओके, हमारा पोल है कि देखिए वैसे तो फकीर वैसे ही बहुत होते हैं, रमजान में कुछ एक्स्ट्रा अलॉट्स आ जाती है फकीरों की, तो ऐसे फकीरों को भीख देना सही होता है गलत होता है? बिल्कुल गलत है ना। जी बिल्कुल गलत, प्लीज समझाएं लोगों को। देखिए जो अगर आप फकीर को भीख दे रहे हैं तो आप मदद कर रहे हैं उन लोगों की जो बच्चे अगवा करते हैं, आप मदद कर रहे हैं उन लोगों की जो मनशियात चुपके चुपके लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो बच्चों को अगवा करके उनको अपाहज बना रहे हैं, और आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बोझ हैं, जो कि काम कर सकते हैं और नहीं कर रहे। इसलिए मेरा ख्याल है कि इन कंडीशंस में फ़कीर को पैसा देना आप शायद गुनाह का काम कर रहे हैं बजाय सवाब के। सही, ठीक है। अच्छा क्योंकि आप उसको देंगे तो वो प्रमोट होगा, इससे कहीं बेहतर है कि वो सफ़ेद पोश लोग जिनको आप जानते हैं अपने पैसे जमा करके रखिए उनको दीजिए। हाँ ये ज़रूर है, मैं कहूँगी कि अगर फ़कीर में आपको कोई बेहद बूढ़ा इंसान नज़र आता है तो आप उसको इनकार ना करें, आपको मालूम है कि ये कमा नहीं सकता, बहुत बूढ़ा है, तो आप उसको खाने की कोई चीज़ दे दें। पैसे उसको भी नहीं दें क्योंकि ये लोग नशा भी करते हैं। नशा भी जी करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको बहुत दिल चाह रहा है कि मैं कुछ देना चाह रहा हूँ तो आप घर से एक दर्जन केले लेके या फिर आप सेब या किन्नू लेके कुछ भी लेके आप गाड़ी में बैठें और वो उन लोगों को दें। Very और फिर true. आप उनका रिएक्शन देखिए। वेरी ट्रू, ठीक है। ये बड़ी नहीं, ये वाकई में बड़ी अच्छी बात की। अगर आपका इतना ही पैसा, बिल्कुल नहीं दे, पैसा हाथ में नहीं पकड़ाए। अगर वो कपड़ा मांग रहे हैं उनको कपड़ा दे दे, अगर खाना मांग रहे हैं तो खाना दे दे। आप पैसा देंगे तो वो उससे ड्रग्स ले लेंगे। ड्रग्स जी, ये तो बिल्कुल सही बात की। अच्छा मैम, जब यही बात हम उन खवातीन को या उन लोगों को बताते हैं, एक्चुअली खवातीन ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं जिस मैटर में, तो हम उनकी बात करेंगे, तो वो कहती हैं देखें हमें तो कहा है कि हम गरीबों की मदद करें, जज करने वाला तो खुदा है कि ये डिजर्व करता है नहीं करता। दे कम अप विद दीस काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब ऐसा लगता है कि उनको समझाना असल में कन्वीनियंस है ना। आपने रेड लाइट पे गाड़ी रोकी, फकीर आ गया, आपने सोचा अभी सदका दूंगा या दूंगी और मेरे सारे गुनाह जायल हो जाएंगे, तो हाउ कन्वीनियंट, तो चलो 5 रुपए निकाल के इसको दे देते। आपको तो लगा कुछ भी नहीं है, आपने उसको दे दिए, मगर आपने पीछे क्या किया कि आपने उन लोगों को सपोर्ट कर दिया जो जराइम पेशा अफराद है। ठीक है, ये तो है, ये है, क्योंकि वो खाना मांग रहे हैं ना, आप उसको खाने की कोई चीज दे दें और आप सेटिस्फाई हो जाए। मगर अच्छा, इसमें कुछ ऐसे भी आते हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं, वो कभी आके कहते हैं कि भाजी अब चाहे पैसे न दो, आप हमें इतना आटा या ये चीज लेके दे दो, वो सही रहता है? अब देखिए आपको ये मालूम नहीं है ना कि वो पीछे से उसका क्या बैकग्राउंड है, ठीक है। तो अगर फिर भी मैं फिर भी ये कहूँगी कि अगर आपने उसको आटा लेके देना है तो आटे की सील तोड़ दें, आटे का अगर आपने उसको लेके देना है थैला तो उसकी सील खोल के और उसको खुला आटा दें ताकि वो उसको एक्सचेंज करके मनी ना ले सके, ठीक है। इन एनी केस इफ़ यू वॉन्ट टू फीड द बेगर्स, फीड देम, डोंट फीड देम विद कॉइन्स, ठीक है। पैसा नहीं दे उनको किसी सूरत भी। हम अगर दवा कोई मांगता है ना तो उसको दवा खरीद के उसकी सील तोड़ के थोड़ी सी दवा गिरा के फिर उसको दे दें ताकि वो उसको वापस नहीं कर सके, ठीक है। ये जरूरी चीज़ है। अच्छी बात बताई मैम ने, और मैं यही करती हूँ। ये तो वाकई में आई मीन मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं, बड़ी अच्छी चीज बता दी आपने कि ऐसा करना, ऐसा करें। आप जरूर मदद करें क्योंकि ठीक है आपको पता नहीं है, वी आर नो वन टू जज, बीच में सही इंसान को भी हम नो ना कह दें, तो आप उसकी जरूरत पूरी करें मगर उसको मनी नहीं। बात है वैसे, पता है क्या मैम, सही इंसान तो वहाँ खड़ा ही नहीं होने देते ना,
खड़ा ही नहीं होने देते। अगर आप देखें कि कोई किसी के सिग्नल पे आ जाए तो उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है कि ये मेरा सिग्नल है, ये मेरा एरिया है, तुम कैसे आ गए। तो सही, कोई और इंसान तो वहाँ खड़ा हो ही नहीं सकता। तो आप सोच लें, आप जी, ये तो मतलब एक कारोबार है ना, इसको हम कारोबार है ये, और वो आपसे हमदर्दियाँ लेके और वो कर लेते। सही, बिल्कुल। अच्छा मैम, आज आप बात करना चाह रही हैं टीनेज स्मोकिंग पे। जी, टीनेज स्मोकिंग से मतलब वो जो बच्चे शुरू से बड़ा इंट्रीग्ड होते हैं कि क्या है, स्मोक है, चलो करके देखते हैं, उस चीज़ की बात कर रही हैं? बिल्कुल उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। असल में ये किस्सा यूँ है कि पूरी दुनिया में जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ तो स्मोकिंग कम हो रही है, और जो डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ तेज़ी से बढ़ रही है। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो एशिया हमारा है, एशिया में ऐसा लग रहा है कि स्मोकिंग का कोई भूत आ गया है, और इस कदर स्मोकिंग इंक्रीज़ हो रही है। यानी फीमेल स्मोकिंग पाकिस्तान में 6% से 9% पे आ गई है विद इन 1-2 ईयर्स, राइट? फीमेल स्मोकिंग बहुत बड़ी है, और आपको ये तो पता ही है कि पाकिस्तान में जो यूथ है उसकी तादाद जो है वो आधी है, यानी 60% ऑफ आर नेशन इज़ यूथ। ठीक है ना, तो 18 करोड़ का 60% आप लगाइए, कितना बड़ा है अमाउंट बनता है, कितना बड़ा फिगर बनता है। उसमें से 15% बच्चे जो हैं एडोलेसेंट्स वो स्मोकिंग पर आ चुके हैं, और मजीद डेली द नंबर इज इंक्रीजिंग। यानी हमारे यहाँ जो मेल स्मोक करते हैं वो 32% है, और जो यूथ स्मोक कर रहा है वो 15% है। तो आप सोचें कि 18 करोड़ की आबादी में से 15% इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट। और दूसरा मसला ये है कि स्मोकिंग को एडोलेसेंट के ऊपर असर और है, और एडल्ट के ऊपर और असर है, क्योंकि एडोलेसेंट की जो बॉडी है टीनेज, वो अभी ग्रोइंग बॉडी है। ग्रोइंग बॉडी में जो निकोटीन और उसके 400 और केमिकल्स होते हैं सिगरेट में, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वो जो डैमेज करते हैं वो एडल्ट बॉडी को नहीं करते जितना डैमेज वो टीनेज बॉडी को करते हैं, क्योंकि वो ग्रोइंग बॉडी है। जी, इसलिए ये बहुत डेंजरस है। जी, उसके डेवलपमेंट में इशू आ जाएंगे। जो बच्चा है, अगर उसने 13-14-15 साल की उम्र में स्मोकिंग शुरू की है, तो उसका लंग साइज छोटा रह जाएगा, और जो सिलिया होते हैं, सिलिया वो जो बहुत फाइन हेयर लाइक लंग्स पे और सब प्रोटेक्टिव होते हैं, मूवमेंट करते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर एक बड़ा अजीब सा एक लोग बात करते हैं कि स्मोकिंग के आप क्यों इतना अगेंस्ट जा रही हैं, देखिए गाड़ियों का धुआं है, बसों का धुआं है, वो भी तो धुआं है, हम कितनी सिगरेटें पी लेते हैं। स्मोकर्स ये अमूमन पेश करते हैं दलील, उसमें यह है कि जो नॉन स्मोकर है ना उसका सिलिया कायम है, स्मोकर का सिलिया डैमेज हो चुका है या ख़त्म हो चुका है। इसलिए हमें तो फिर भी प्रोटेक्ट कर, नॉन स्मोकर को तो बस का धुआं और ये चीज़ें प्रोटेक्ट कर लेंगी, मगर स्मोकर को नहीं कर सकेंगे। सही जी। अच्छा, अब मुझे बताइए कि क्या रीजंस हैं कि छोटे छोटे 9-10 साल के बच्चे जो हैं बाथरूम में छुप छुप के और जगहों पे इस तरह स्मोक करना शुरू कर देते हैं, क्या रीजंस होते हैं? बहुत सारे इसके रीजंस हैं, मगर इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है ना छोटे बच्चों में, बहुत छोटे, जैसे आपने 9-10 साल के कहा, वो एक्सपेरिमेंटेशन है, जस्ट फन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जिस तरह उनको आदत होती है हर चीज से एक्सपेरिमेंट करने की। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा एलिमेंट ये भी है कि दे सी देयर फादर्स स्मोकिंग। हाँ जी, पेरेंट्स का एटीट्यूड जो है और पेरेंट का जो रोल मॉडल है वो बहुत बड़ा है, वो तो हर उम्र के बच्चे के लिए है। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक है, इसके बाद इसके और रीजंस पे भी बात करते हैं एंड हाउ टू गेट ओवर इट पे भी बात करते हैं। छोटी सी ब्रेक है, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।